सिंगरौली में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया और लोगों की शिकायतों का निराकरण कराया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सीएसपी देवेश पाठक, एसडीओपी सहित विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और पुलिस के कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिविर में 85 शिकायतकर्ताओं ने भाग लिया, जिस पर तत्काल ही 35 शिकायतकर्ताओं का निराकरण कर दिया गया है और बाकी शिकायतों का भी निराकरण करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि थाने में लोग अपनी शिकायतों से संतुष्ट नहीं हो पाते, इसीलिए सभी को बुलवाया गया था। उन्होंने खुद शिकायतें सुनी और उनका निराकरण किया। ये मामला था मारपीट का, वही प्रकरण चल रहा था सर, इसीलिए हम लोग 181 किए थे। इसके बाद हम लोग अब संतुष्ट है, अपना शिकायत कटाना चाहते हैं। देखिए, जो पुलिस के पास शिकायतें आती हैं तो कई सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें पुलिस की जो कार्रवाई होती है उससे फरियादी संतुष्ट नहीं हो पाता, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ऐसे सभी मामलों को हमने बुलाया था फरियादियों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए, जिसमें अलग अलग श्रेणी की जो शिकायतें होती हैं, L1, L2, L3 और L4 लेवल की जो शिकायतें हैं उनके फरियादियों को भी बुला करके सुना था। और फरियादी की क्या पीड़ा है, किस जगह पे, किस बिंदु पे उसको संतुष्टि नहीं हो पा रही है, उसको समझ करके उनकी जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।